आपका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको भारत के बहुत ही सुंदर प्रांत, जिसे धरती पर स्वर्ग भी माना जाता है, में घुमाने ले जा रहे हैं। धरती पर स्वर्ग से आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर का जिक्र आते ही दिमाग में ऐसी जगह की छवि उभर कर आती है, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के वृक्ष, हसीन वादियां और मन को छू लेने वाली यहां की खूबसूरत घाटियां हैं। यात्रा कर रहे हैं और यह ट्रेन हमें बनिहाल से श्रीनगर तक लेकर जाएगी। रेल मार्ग पर जाते हुए आपको खूबसूरत वादियाँ, सेब के बाग और इन वादियों में बसे हुए छोटे छोटे गांव और उनमें बने हुए छोटे छोटे खूबसूरत घर देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ के मौसम की बात करें तो सबसे गर्म महीना जुलाई है, जिसमें अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और सबसे ठंडा महीना दिसंबर जनवरी होता है, जिसमें औसत न्यूनतम तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अभी हम श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। श्रीनगर रेलवे स्टेशन ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। अभी हम श्रीनगर शहर में पहुंच चुके हैं और हमने अपना होटल डल लेक के आसपास ही ले लिया है, और अभी हम श्रीनगर के फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन को देखेंगे। लोकल ट्रैवलिंग के लिए यहां पर आपको साइकिल भी रेंट पर मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही कम रेट्स पर अवेलेबल रहते हैं। श्रीनगर में घूमने के लिए और भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन से, पर इन सब में से जो सबसे ज्यादा फेमस है वह है डल लेक। तो सबसे पहले हम अपना सफर डल लेक से ही शुरू करते हैं। डल झील श्रीनगर कश्मीर की एक प्रसिद्ध झील है। 18 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई यह झील 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी हुई है। ये जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसमें और स्रोतों से तो जलाता ही है, साथ ही कश्मीर घाटी की अनेक झीलें आकर इसमें मिलती हैं। भारत की सबसे सुंदर झीलों में इसका नाम लिया जाता है। पास ही स्थित मुगल वाटिका से डल झील का सौंदर्य अप्रतिम नजर आता है। पर्यटक जम्मू कश्मीर आए और डल झील देखने न जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कमल के फूल पानी में बहती कुमुदनी झील की सुंदरता में 4 चांद लगा देती है।
डल झील के मुख्य आकर्षण का केंद्र है यहाँ के शिकारी या हाउस बोट। सैलानी इन हाउस बोटों में रहकर झील का आनंद उठा सकते हैं। नेहरू पार्क, कानपुर थाना, चारची नारी आदि द्वीपों तथा हजरत बल की सैर भी इन शिकारों में की जा सकती है। अतिरिक्त दुकानें भी शिकारों पर ही लगी होती हैं और शिकारी पर सवार होकर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी खरीदी जा सकती हैं। शिकारी का दिन का सफर हम यहीं पर खत्म करते हैं और हम इंतजार करेंगे शाम होने का। शाम को हाउस बोट में जगमग करती लाइट्स आपको ऐसा महसूस कराती है कि जैसे यहाँ पर हर शाम दिवाली की शाम हो। आज का ये सफर आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी कीमती राय हमें जरूर दें। इसी सफर की एक और कड़ी में जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।